नमस्कार फ्रेंड्स, घर पर ही महाशिवरात्रि की पूजा कैसे कर सकते हैं चारों पहर की। तो पहले सुबह ही आप सूर्योदय से पहले उठकर एक चौकी पर लाइट कलर का कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए, भगवान का कोई भी चित्र। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चित्र लिया है। अगर आपके पास चित्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें भगवान भोलेनाथ हैं, मैया गौरी हैं, गणेश जी हैं, शिवलिंग हैं। तो हम सबसे पहले चौकी पर कपड़ा बिछाकर चित्र स्थापित कर देंगे। उसके बाद यदि आपने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो वो ले लीजिए, लेकिन मैं ब्लैक कलर के पत्थर के शिवलिंग हैं मेरे पास, जिनकी मैं हर रोज भी पूजा करती हूँ, तो इन्हीं को मैंने यहाँ पर स्थापित कर लिया है। उसके बाद हमने इसके नीचे कटोरी रखनी है भगवान जी के नीचे हमें जरूर ही, और शिवलिंग के नीचे हमें एक सॉफ्ट साइड से, ये देखिए सॉफ्ट वाली साइड से भगवान जी के नीचे हम अभिषेक के लिए बेलपत्र रखेंगे। चढ़ाने के समय हमें ऐसे करके रखना है, लेकिन जब अभिषेक के समय भगवान जी को इसके ऊपर स्थापित करेंगे तो हमने ये चिकना हिस्सा ऊपर रखना है। तो ये चिकना हिस्सा हम यहाँ पर कटोरी में स्थापित करके और भगवान जी को स्थापित कर देंगे। अभिषेक के लिए मैंने ये जल इसी में गिरे और पाँव में ना आए तो ये इसी के नीचे भगवान जी को ले लिया है शिवलिंग को। उसके बाद ये देखिए, हमने हल्दी की गांठ से मैंने गोरा जी बनाई है और सुपारी से गणेश जी बनाए हैं। गोरा गणेश को हम स्थापित करेंगे। इधर मैं गोरा जी को और गणेश जी को स्थापित कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने अभिषेक के लिए सामान लिया है यहाँ पर शहद, कच्चा दूध और गंगा जल मिक्स किया हुआ है। यहाँ शक्कर, दही और सिंपल पानी, जिससे हम अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो सिंपल वाटर से में कच्चा दूध मिलाकर कर लीजिए, नहीं तो केवल इन पांच चीज़ों से को एक ही पात्र में मिक्स करके भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। मैंने ये अलग अलग अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक का सामान ले लिया है, साथ में फूल, भगवान शिव भोले को फूल बहुत प्रिय हैं, फूल ले लिए हमने। सफ़ेद फूल, पीले फूल, रोज़ और छोटी छोटी दो माला भी बनाई है मैंने गोरा जी के लिए और शिवलिंग के लिए। पूजा में प्रयोग होने वाली सारी सामग्री की लिस्ट और दिखाया भी हुआ है मैंने सामान, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हमने गंगा जल मिले हुए कच्चे दूध से भगवान जी का अभिषेक करना है, और अभिषेक ऐसे करना है, एक ही धार में हमें अभिषेक करना है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलते रहिए। उसके बाद हमने शहद से, दही से, किसी भी चीज़ से कर लीजिए। सबसे पहले मैं, इसके बाद मैं दही से कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। उसके बाद मित्रों, हम शहद से, शहद मैंने थोड़ा सा ही लिया है। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद शक्कर से, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उसके बाद हमने शुद्ध जल से भगवान जी का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरह से हमने अभिषेक करके भगवान जी को किसी भी साफ वस्त्र से पोंछ लेना है अच्छे से। उसके बाद हम, अब हमने शिवलिंग को त्रिकुंड भी लगा दिया है और भगवान भोलेनाथ को ऐसे स्थापित कर देंगे। उसके बाद गणेश जी को हम थोड़े से चावलों का आसन देकर और गोरा जी को भी थोड़े से चावलों का आसन देकर, यहाँ पर मैंने जो गणेश जी बनाए हुए हैं उन्हें स्थापित कर दूंगी। गोरा जी जो मैंने हल्दी से बनाई हुई हैं उनको स्थापित कर देंगे। जब हम गठबंधन करेंगे तो चाहे आप शिवलिंग का इधर रख लीजिए जलाधारी, चाहे इधर रख लीजिए, चाहे इधर रख लीजिए, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे वहीं पर आपने गठबंधन करना है भगवान जी का। उसके बाद हमने
मैया गौरी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे, गणेश जी को भी सिंदूर से तिलक करेंगे, मैया गौरी को हम हल्दी से तिलक करेंगे और गणेश जी को भी हम हल्दी से तिलक करेंगे, और जो हमारे चित्र हैं वहाँ पर भी हम हल्दी, रोली, कुमकुम सभी चीज़ें लगा देंगे। शंकर भोलेनाथ को हमने सिर्फ चंदन से ही तिलक करना है। ये देखिए, हम चंदन से तिलक कर लेंगे भोलेनाथ जी को, यहाँ पर भी और चित्र में भी हमने भोलेनाथ जी को चंदन से तिलक कर लिया है। उसके बाद हम सभी जगह अक्षत चढ़ाएंगे थोड़े थोड़े भोलेनाथ को। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, जय गौरा मैया, जय गौरा मैया, जय गणेश जी महाराज, जय ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। और उसके बाद हमने बेलपत्र चढ़ाने हैं। बेलपत्र आप कितनी भी संख्या में चढ़ा सकते हैं, ये देखिए 5, 7, 11 जितने भी। और ये चिकना स्थान हमने भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर रखना है। और दूसरा जो हमारा दूसरे वाला है, जो हार्ड है, वो नीचे इस तरह से चढ़ाते रहेंगे। इस तरह से आप गिनती करके जितने भी चढ़ाना चाहें वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को मैंने ये छोटी सी वाइट फूलों की माला बनाई है, वो भी मैं अर्पित कर दूंगी। गौरा मैया को मैंने रोज़ की छोटे छोटे पेटल्स की माला बनाई है, वो हम चढ़ा देंगे। गणेश जी को यहाँ पर मैंने लाल और पीले फूल चढ़ा देंगे, और भगवान शंकर को भी हम पीले फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे, भगवान शंकर जी को, भोलेनाथ को भी जनेऊ अर्पित करेंगे। भगवान को इत्र लगाएंगे, गौरा मैया को इत्र लगाएंगे, गणेश जी को इत्र लगाएंगे। इत्र बहुत ही खुश होते हैं भगवान जी, इत्र बहुत पसंद हैं। उसके बाद हम मोली रूपी वस्त्र, उपवस्त्र कहते हैं, वो चढ़ाएंगे। चाहे तो आप वस्त्र भी करा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर को वस्त्र अर्पित करेंगे, गौरा मैया को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, गणेश जी को हम मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, और जो हमने फोटो ली है उन्हें भी मोली रूपी वस्त्र हम अर्पित करेंगे। गणेश जी को हम दुर्वा घास में चढ़ाना भूल गई थी मित्रों, गणेश जी को दुर्वा घास बहुत पसंद है, वो चढ़ाएंगे। उसके बाद माता पार्वती को हम सुहाग की 5 वस्तुएं चढ़ा रहे हैं, सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिंदी, चूड़ी, आप चाहें जितनी भी अधिक से अधिक चढ़ा सकते हैं, कम से कम चढ़ा सकते हैं, चाहें तो खाली बिंदी का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। ये मैं गौरा माता को चढ़ा दूंगी सुहाग की सामग्री सारी। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे फ्रेंड्स, दीप जलाने के लिए। दीप के नीचे मैं थोड़े से फूल डाल दूंगी, थोड़े चावल रख दूंगी दीपक को आसन देने के लिए। और गाय के शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं, और साथ में ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, जय गौरा मैया, जय गणेश जी महाराज, इस तरह से बोलते रहिए फ्रेंड्स। अब हम भगवान शंकर जी को बेर बहुत पसंद है मित्रों, बेर हम अर्पित करेंगे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हे भगवान हमारा रूखा सूखा जो भी है हम आपको अर्पित कर रहे हैं, आप जरूर इसे ग्रहण कीजिए। और उसके बाद मित्रों हमने लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी जो भी मिलता है वो सब अर्पित करनी है, तो इस तरह से हम ये भी भगवान जी को अर्पित कर देंगे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आपके पास जो भी फ्रूट हैं, सेब, केला, संतरा, वो सब हम भगवान जी को चढ़ा देंगे यहाँ पर। ओम नमो शिवाय। उसके बाद सफ़ेद मिठाई या पताशे, तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद पताशे लिए हैं, ये भी व्रत में खा सकते हैं, और ये भी हम भगवान जी को अर्पित कर देंगे। और दक्षिणा अर्पित करेंगे सभी जगह, गणेश जी को, गौरा मैया को, भगवान शंकर जी को, और इस तरह से सभी जगह हम
उसके बाद मित्रों महाशिवरात्रि की कथा भी इस दिन जरूर सुने। अगर समय नहीं है तो आरती तो आपको अवश्य ही करनी है, अगर आरती आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरी तरह आप इस बुक में से भी पढ़ सकते हैं। तो मित्रों इस तरह से सरल विधि से आप चार पहर की पूजा कर सकते हैं। चार पहर की पूजा का समय भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। माँ गोरा और शिवलिंग का गठबंधन कैसे करें उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर हम आपको गठबंधन इसमें बताते तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए आप लिंक पर जाकर गठबंधन की वीडियो भी देख जरूर देखें मित्रों। और भी बहुत सारे लिंक महाशिवरात्रि से संबंधित डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक